के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चौहों में और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में हुए विद्वन थी जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर कहीं उत्सव था। पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे, राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था, उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को, किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति। अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर चढ़ाएंगे, श्री राम को राम राज्य समझाएंगे। उस शक्ति को जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है, सतत अनवर, जिसने श्री राम का मान प्रशस्त किया, आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या तुमने, देखा क्या कितने सकुचाई से श्री रघुवीर पद की प्रसन्नता या तर्क निरक होने का, ललक या उमंग कोई कुछ भी तो दिखी नहीं, मुकुट सामने रख कितने अधीर थे। वे तो थे अधीर, हाँ थोड़े गंभीर थे, सौम्य मुखमंडल पर निर्बलों की पीड़ा थी, दीनहीन असहाय वंचितों का दर्द था। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोग नहीं, अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। प्रांत मन से उन्होंने अपने पिताओं को याद किया, मन असमंजस में था, कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही, क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए। इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को कहा। मैं अयोध्या पवित्र से पवित्र खत्म हो गई हूँ, आज स्वयं श्री राम ध्यान रखे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं, उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगी। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या के घर पर। और देखो श्री सूर्यदेव आने को है। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी, जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी।
अनोखा दिन है, स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्य देव नारायण और उनके अधीर मन के संशय मिटाने को। अधीर है या गंभीर, मैं जानता हूँ क्या उनकी पीड़ा। माँ कौशल्या को प्रणाम, कहाँ है राम? अरे बात की कौन बड़ा है, आज्ञा हो तो आपके चरण छू लूं। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आदि पुरुष, ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह पितामह होंगे हम ब्रह्म लोग, अब धरती पर जनलोक में आ गए। सूर्य देव के आगमन पर माँ कौशल्या विनती की, हे देव मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं ताकि अयोध्या का पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण होता, चिड़िया गाती है, लेकिन इन दिनों कितनी उदास है। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, राज्य अभिषेक के बाद राज्य जो भी चलाए राम राज उसका ही तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूँ तपस्वी राम, मनस्वी राम अपने नेत्र खोल। प्रणाम पितामह, प्रणाम। प्रणाम मेरे राम, प्रणाम। पितामह राम राज क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज्य क्या है, सुनता नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी चलाए। मैं कह रहा था कि राम राज मेघ करे वर्षा और सदा ही सुखाए, दिशाएं सब मस्त हो, जनपद ये स्वस्थ हो, उपद्रव ना ही और ना कोई आतंक हो, कोई नहीं रंग को, सुख ही सुख दिशा, प्रेम युग धर्म मूल प्राण, राम राज आशिक कल्याण। माँ कौशल्या अभी ये मुकुट मात्र सोने का है, मैं इस मुकुट को राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना देता। स्वयं सूर्य देव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मियों से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर खुशहाली, प्रेम, शांति और संयम है, हर ओर रोशनी, प्रकाश और जीवन का संगीत गूंजने लगा। राम राज्य का पथ दर्शाकर चल दिए सूर्यदेव पुनः अपने लोग, ताकि अनंत काल तक अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर सके। हर दिशा खिल उठी श्री राम के राम राज्य से, सूर्यदेव के स्पर्श से पावन हुई मेरी धरती पर, जहाँ उनका रथ रुका था वहां स्वयं यह कुल बन गया। समय बदला,
मेरा और इस कुंड का स्वरूप भी बदलता गया। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थल घोषार्क तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रतापी राजा घोष यहाँ आए और उन्होंने ऋषियों को यहाँ स्नान करते देखा तो स्वयं भी किया, जिसके बाद उनका शरीर दिव्य, निरोगी और आलोकिक हो गया और इसी कुंड के जल से उनकी काया भी कांतिमय हो गई। यहाँ की गई उनकी घोर तपस्या का तेज आज भी अनुभव किया जा सकता है। दिन बीते, साल बीते और फिर अनेकों सदियों के बाद राजा दर्शन सिंह यहाँ आए। यही तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर, कुंड और चारों ओर घाट का निर्माण कराया, जिससे यहाँ की प्रजा भी इस आलोकिक कुंड का लाभ उठा सके। सूर्य देव के महात्म्य से मैं अयोध्या और तेजमय हो गई और इसका प्रमाण इस सूर्य कुंड और समीप स्थित गरिमा में सूर्य मंदिर से स्थापित हो जाता है। मैं अयोध्या इस हर्ष से फूली नहीं समाती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। आज भी अयोध्या एकता, आस्था और शांति के लिए उदाहरण बनी हुई है। अपना ले ओ चितला, अपना ले ओ चितला। देव महिमा को राम राज गरिमा से अपना ले ओ चितला।